भोले महापति महादेव बस यही भगवान की कामना है। और प्रभु इस गांव के लिए भी भगवान की, और इस गांव के लिए भी भगवान जी से सम्मान करते यही मांगते हैं कि ऐसी सदबुद्धि बनी रहे और एक नहीं कई पीढ़ियों हर पीढ़ी में इनकी यही सदबुद्धि बनी रहे। ये बच्चे जो हैं इनको देख करके बहुत खुश हुई, क्योंकि जब पिछला शिवपुराण हुआ था उस समय ये केवल यहाँ घबरा करने वालों में थे। हम भगाते थे इनको, भागो यहाँ भागो यहाँ, फिर आना उन्होंने यहाँ। और आज वही इतना निर्वाह कर रहे हैं, हाँ इतनी जिम्मेवारी संभालने लायक भगवान ने उनको बना दिया, हाँ कि अब इनकी पिछली पीढ़ी निश्चिंत है कि ये कुछ करेंगे संसार में। बस इसलिए इसी बात को देख करके तो खुशी है, बहुत खुशी। जितने हैं ये बच्चे, हाँ 20 वर्ष 25 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष के भीतर के, ये सब उस समय बच्चे ये हमेशा में इनको भगाते भगाते थकते थे हमें। आज ये उन्होंने पूरा चंदा लगा रखा है, पूरा अनुष्ठान पूरा किया, इसके लिए ये विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी और किसी का धन्यवाद क्या करें, किसी के साथ अपना ये पूरा अनुष्ठान जो है भगवान नित्यनाथ को विश्वेश्वर महादेव को समर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और ये भी कामना करते हैं कि इस स्थान पर जितने भी संत महात्मा आज तक रहे हैं उनकी चरण रज यहाँ विराजमान है, उनकी आत्माएं अदृश्य रूप में यहाँ घूम रही हैं, उनको भगवान अपने लोक की प्राप्ति करवावे। इसके साथ वाणी को विराम देते हैं और थोड़ा वास्तविक प्रकाश जी से उसे निवेदन करते हैं, कुछ आप लोगों का धन्यवाद संबोधन करेंगे, थोड़ा उसको सुन लीजिए फिर पूर्णाहुति और आरती। बोलो विश्वेश्वर महादेव की जय। हरिओम। मैं विश्वेश्वर महादेव का श्री चरणों में आप सभी लोगों को हृदय से बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों इनका प्रेम हमें दे कि हम आप सभी लोगों का ऋणी हैं। सबसे पहले मैं मातृशक्ति महिलाओं को धन्यवाद अदा कर दूँ कि जख सहयोग की जरूरत हुए और बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हम थे सहयोग दे, मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पूरे समाज को भी आभारी हूँ कि जो अब लोग 10 दिन तक बिल्कुल घर बार भी छोड़ी थे, मंदिर के शरण में आए थे, मंदिर की जो सेवा करी, मैं हृदय से खूब धन्यवाद अदा कर दूँ। और जो अभी सात दिन ये हम जो को जिक्र करें कि जो बच्चे लोग हैं योगा सहयोग का बिना मेल अनुष्ठान सफलता से पूर्ण विश्व जो मैं भगवान विश्वेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लूँ कि यूँ बच्चों थे वो इनका दियो कि अगली बार ये स्वयं अग्नायक है और एक शिवपुराण की नींव रखन में भगवान विश्वेश्वर महादेव थे श्री चरणों में युग वास्ता ढेर सारी शुभकामना मांग दू। मैं सभी क्षेत्रवासियों से हमारा जो लगे पहुंचन जाक चमरड़ा असिंगी देवशाल बेलगढ़ खालू तमाम शुमारी जितने भी लोग हम ऐसा सकने मैं सभी लोगों को दान की ओर से मंदिर समिति की ओर से हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका सहयोग हमारे वास्ता एक ऋण का समान है। मैं श्रीनगर से जो लोग हमें खासकर मैं भाई अनिल स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा कर दो एवं अग्रवाल जी को, भाई अनिल स्वामी जी का जो एक माप शिवपुराण करना चाहता की प्रेरणा से ही यू शिवपुराण संपन्न हुए, वो ये हमें अच्छा वो नाम था प्रेरित कर छो कि ये हम इसका बड़ा अस्था या सुंदर स्थान से एक बार हम पुनः एक शिवपुराण का आयोजन कर दे जाओ। मैं उनको भी
हृदय से बहुत आभारी छो। उनका सहयोग मेरे ख्याल से ये जन्म हमको सहयोग ऋण अदा नहीं कर सकता। और मैं भगवान विष्णु शर्मा देव से प्रार्थना कर दूं कि उनका गठबंधन में यह बात बैठो कि वो हमेशा हमसे जुड़िया रावन, ये मंदिर से जुड़िया रावन और जन सहयोग होनी भरे हम तय करें वो भविष्य में कर रावन। जग जग तक मेरी आवाज जानी जी, मैं सभी लोगों को दिल से मंदिर समिति की ओर से अपना ग्राम दालनी की ओर से सबको हृदय से बहुत आभारी हूँ। मैं व्यास जी एवं जो हमारे पंडित लोग जन यूं से भी दिल से क्षमा चाहूँ अगर कहीं मन से कोई गलती देखे हो या कहीं कोई बात उनसे हमारा लोगों का प्रति चुप गए हो तो मैं हृदय से एकदम क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक बड़ी खुशी में आप लोग आप लोगों का सामने में शेयर करना चाहूँ कि इतने गाँव है गाँव में अलग अलग विचारधारा का लोग बोला जितना लोग थे उतना का अलग अलग विचार बोला, लेकिन धन्य रे विश्वधर महादेव, विश्वधर महादेव का चरणों में एक है सबकी विचारधारा एक विचारणी है। फिर भी निर्णय एक आज में जो निर्णय हो छो सबको भी निर्णय पर जान छो। मैं ये भक्ति भाव का वास्ता सारा ग्राम दाने का लोगों से उनको धन्यवाद अदा कर दूं। और भविष्य में भी जबकि हम आयोजन हो मैं सभी लोगों से अनुरोध कर लूँ कि जनिवर सहयोग आप लोग दे उन सहयोग दिन दे रहे हमारे गांव का जो बहन रहो लोग दिल्ली देहरादून या कई और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद अदा कर दूँ। उनको कई लोगों दिन छोड़ के घर बिल्कुल घर मकान मिली थे लेकिन तब भी वो लोग क्या कहनी उन हम सहयोग दे वह का वास्ता मैं सबको धन्यवाद अदा कर दूँ। और अंत में एक बार में अपनी गाँव की जितना धियाणी छन जो लोग केवल शिव पुराण का वास्ता ये है नहीं केवल शिव पुराण में ही हमसे जुड़नी भगवान शिव विश्वधर महादेव उनके परिवार थे उनके कुशल रखो। और ये आशा का साथ ही मैं अपना सबसे विराम दे दूँ कि अपना सबसे विराम दे दूँ कि भगवान विश्वधर महादेव हमते इन्हीं प्रेरणा दियो कि हर दूसरा साल व्यक्ति साल जब भी मौका मिलो हम भी उनसे प्राण आयुष करा। धन्यवाद। जय विश्व महादेव की।